विशाल, तुमने ये नोटिस किया होगा कि जो बातें हमारी डेली रूटीन का हिस्सा हैं, अगर वो कभी नहीं होती है तो बहुत अजीब लगता है। हाँ, अजीब तो लगता है, बट देन ये बात तुम किस कंटेक्स्ट में कह रही हो? मतलब कि जैसे रोज न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर डाल के जाता है, लेकिन कभी कभी जब न्यूज़पेपर नहीं आता तो कितना अजीब लगता है ना। हाँ, इसलिए मतलब तुमने बिल बिल तो भरा होगा नहीं, इसलिए उसने डालना बंद कर दिया होगा, यही एक कारण हो सकता है। मतलब ये क्या बात है। एक्चुअली मैं जो ये चीजें जो आपकी लाइफ में डेली होती है, अगर एक दिन ना हो तो बड़ा अजीब सा लगता है। जैसे अगर मुझे सुबह सुबह सपने ना आए तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। सुबह सपने आए? हाँ, मतलब मुझे सुबह सुबह सपने आते हैं और मुझे बड़ा मजा आता है जब वो सपने आते हैं। तो एनीवे तुम इमेजिन करो वनिता, मतलब है ना, एक सीन इमेजिन करो, सुबह सुबह का टाइम है, तुम उठी हो, उठी क्या हो, तुम आधी सो रही हो आधी उठी हुई हो, ठीक है, अजीब सी हालत में, तुम्हारे बाल एकदम बिखरे हुए हैं, एकदम भालू टाइप लग रही हो तुम, है ना, सुबह सुबह उठते सब ऐसे लगते हैं। एनीवे तुम गई बाहर, अखबार आया, अखबार उठाया तुमने, ठीक है, अखबार उठाते ही तुमने जैसा फ्रंट पेज देखा, जैसे ही फ्रंट पेज को देखा, वहां पे मेरी एक बड़ी सी फोटो लगी है, बिग सुपरस्टार। वाओ, मैं करोड़पति बन गई। हेलो, एक्सक्यूज मी, आप कैसे करोड़पति बन गई? नहीं, थोड़ा अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, मतलब अपने बारे में मत सोचो, वहां पे फोटो मेरी लगी हुई है, तुम्हारी हाँ, नहीं, मेरी फोटो लगी हुई हाँ, है। मैं समझ रही हूँ, अखबार में तुम्हारी ही फोटो छपी है, लेकिन फिर भी मैं करोड़पति बन गई हूँ। देखो अनिता, तुम देखो बहुत अपने बारे में सोच रही हो, गलत बात है, मैं इमेजिन करने को बोल रहा हूँ कि इमेजिन करो मेरी फोटो, तुम अपनी फोटो इमेजिन कर रही हो यार। देखो, अब तुम ये सिचुएशन देखो कि मैंने अखबार उठाया, हाँ, उस पर तुम्हारी बड़ी सी फोटो लगी हुई है, उस पर बोल्ड वर्ड्स में लिखा है वांटेड, और लिखा है कि इसको पकड़ने वाले को 1 करोड़ रुपए इनाम। तो मैं करोड़पति बन गई हूँ। बहुत मजाक हो गया, मतलब तुम ये इमेजिन, तुम्हारी इमेजिनेशन, मतलब यार तुम, मतलब तुम अपनी इमेजिनेशन में भी मेरा भला नहीं सोच सकती यार, कितनी गलत बात है यार ये। एटलीस्ट इमेजिनेशन में तो मेरे बारे में कुछ भला सोचा करो वनिता रघुवंशी, सामने नहीं सोचती हो तो। अच्छा, ठीक है, कमाल है यार, अच्छा दोस्त हूँ तुम्हारा, कुछ तो सोचो मेरे बारे में। ठीक है, इट्स ओके, रिलैक्स, मैं मजाक ही कर रही थी। कमाल है यार, मतलब तुम, जनरली मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब सुबह सुबह सपने आते हैं ना, तुम ये देखना, ये सुबह सुबह ये आते हैं मेरे को सपने कि मैं सुपरस्टार बन गया हूँ, और कहते हैं सुबह सुबह के सपने जो होते हैं ना वो हकीकत में बदलते हैं, तो तुम देखना ये चीज एक दिन होगी और ये तुम्हारे आंखों के सामने ही होगी और तुम्हारे न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज में होगी, और फिर तुम्हारा रिएक्शन देखना। अरे फ्यूचर सुपरस्टार, सुनो तो मेरी बात। देखो, सुबह के सपने हकीकत में बदलते हैं, क्या रिलेशन है, क्या लॉजिक है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं कुछ ऐसी हकीकत बातों को मानती हूँ जो सपनों जैसे होती हैं। जैसे कि उन शख्सियत की जिंदगी जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी को सपनों जैसा बना दिया। क्या बात कर रही हो? और उन्होंने अपनी जिंदगी प्रूव कर दिया कि अगर आपको अपनी जिंदगी सपनों जैसी बनानी है तो उसके लिए आपको सपने नहीं देखने हैं, आपको अपनी हिम्मत को, अपने जज्बे को बढ़ाना है और हौसले के साथ जिंदगी को जीना है। क्या बात है यार, तो इनसे मिलना तो बनता है फिर। बिल्कुल, तो चलो तुमको भी मिलवाते हैं और अपने व्यूअर्स को भी मिलवाते हैं हमारी आज की प्रेरणा से। ये ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ जश्न और जोश का माहौल एक शख्स की सफलता की कहानी बयां कर रहा है। बेसब्री से किसी की राह देख रहे इन लोगों की बेचैनी ये बता रही है कि इन्हें इंतजार है उस हस्ती का, जिसने अपने बुलंद हौसलों और हुनर की बदौलत इनके गांव का नाम देश भर में रोशन कर दिया। ये लोग अपने गांव के उस हीरो का सम्मान करना चाहते हैं जो गांव की मिट्टी से निकल कर सोना बन चुका है। जी हाँ, ये शख्स कोई और नहीं, कुश्ती के लिए राष्ट्रपति के हाथों ध्यानचंद अवार्ड पाने वाले राजकुमार हैं। खुशी होती है, इतना मेरे को सम्मान दिया लोगों ने, उस धरती ने, जहाँ से मैं निकला था, तो अंदर अंदर खुशी के भी आंसू बहते रहे मेरे। कुश्ती में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के हाथों कुश्ती ध्यानचंद अवार्ड पाने वाले राजकुमार सिंह ने अपने गांव के साथ साथ पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। एक छोटे से गांव की जमीन से लेकर आसमान तक के सफर को राजकुमार ने बखूबी तय किया है। बहुत परिवर्तन है, जैसे हम अपने कहीं कॉलेज में या इस स्कूल में कहीं बेटे के पास जाते हैं तो बच्चे भी पहचान लेते हैं, अगर भाई हमारे पापा आ रहे हैं तो पहले राजकुमार जी आ रहे हैं, तो पहले पहचानते ही नहीं थे कोई भी, अब अवार्ड से इतना फर्क पड़ा है, बड़ा महसूस, खुशी होती है, चलो इतना तो हुआ, हमको पहचाने तो लगे। आज सफलता के मुकाम पर
अपने बुलंद हौसलों की बदौलत राजकुमार पहुंचे हैं। उस तक पहुंचने का सफर काफी तकलीफों भरा रहा है, लेकिन अभावों में तप कर भी वो और चमकते चले गए। वो उस टाइम पे खर्चा नहीं मिलता था काफी, ऐसे नहीं थे हमारे घर के लैंडलॉर्ड थे, बहुत नॉर्मल घर से है, खर्चा भी बहुत कम मिलता था। हम पे कपड़े भी ऐसे ही हुए करे, पैरों में भी चप्पल अप्पल ऐसे ही फटे से कपड़े सपड़े ऐसे रहे। आज मैं बड़ा महसूस करता हूँ कि वहाँ से निकल के हम इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, वे बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं। 10th 12th क्या होता है, इतना कोई पढ़ाई थोड़ा ही है। तो वहाँ से मैं महसूस ये करता हूँ, आज भगवान ने मेरी सुनी। राजकुमार ने कुश्ती के क्षेत्र में कई अवार्ड्स अपने नाम कर अपने गांव के साथ पूरे देश का नाम भी रोशन किया है। कुश्ती के साथ रेलवे में भी कार्यरत राजकुमार के सीनियर्स को भी उन पर गर्व है। तो ये हमसे जूनियर है, इसने आया कुछ करके दिखाया, उसके बाद इसने इंटरनेशनल में एशिया में सिल्वर लिया, फिर कॉमनवेल्थ में सिल्वर लिया, सेव गेम में गोल्ड लिया और बहुत सारे इंडियन स्टाइल और नेशनल में गोल्ड मेडल जीते। उसके बाद ये अपनी ड्यूटी के हिसाब से भी अपना फिर ये टेक्निकल ऑफिशल्स में आ गया, तो इन्हें इंटरनेशनल रेफरी बनाया, फिर ये जाके फिर कोचिंग में हमारे साथ चला, तो हमारे साथ साथ 86 से ये चल रहा है। तो इसका एक जुनून है कि भाई जो काम करना है बस करना है, जबरदस्ती करना। राजकुमार ने देश विदेश में ढेरों मेडल जीतकर अपने भारत का गौरव बढ़ाया। सिर्फ यही नहीं, कुश्ती की दुनिया में अहम योगदान दिया है। यूं तो उन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन ध्यानचंद अवार्ड मिलना उनकी जिंदगी का अहम पल था। इंटरनेशनल, एशिया भी, कॉमनवेल्थ, साउथ एशिया, एशिया, ये जो चैलेंज ब्रिटेन कप हुआ था मैनचेस्टर में, उसमें सभी जगह भाग लिए। जैसे जापान में एशिया हुआ था, उसमें 4th नंबर आया था मेरा, तो एशिया में 2nd भी आया, कॉमनवेल्थ का 2nd भी, एशिया का, साउथ एशिया गोल्ड भी है। तो रशिया और इंडिया टेस्ट मैच हुआ था, उसमें मेरा गोल्ड था। राजकुमार सिंह कुश्ती के खेल को और भी आगे लेकर जाना चाहते हैं, इसीलिए वो दिन रात मेहनत करते हैं जिससे भारत को कुश्ती के नए चैंपियन मिल सकें। आज राजकुमार रेलवे कोच की हैसियत से कितने ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स को कुश्ती की ट्रेनिंग देते हैं। राजकुमार जी से कुश्ती सीख रहे स्टूडेंट्स को उन्हीं की तरह आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ये हमारे कोच हैं, गुरु हैं, ये हमें सुबह आते हैं, 4 बजे उठाते हैं, रनिंग करवाते हैं और प्रैक्टिस करवाते हैं। मतलब हमारे पीछे बहुत मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। जो एक गुरु को करनी चाहिए वो करते हैं हमारे पीछे मेहनत। और ये जो एक कोच के अंदर खूबियाँ होती हैं वो सारी खूबियाँ इनके अंदर हैं। और ये कोच होने के साथ साथ एक राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने बहुत ही मेडल दिए हैं, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने काफ़ी मेडल दिए हैं। यही हमारे सब कुछ हैं, कोच हैं, गुरु हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें हमारे देश को अच्छे अच्छे मेडल दिए और इसी प्रकार हम भी उनकी तरह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल देना चाहते हैं, यही हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। आज इस मुकाम पर पहुंचकर राजकुमार अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए सपना देखते हैं। मेरा सपना ये है कि मेरे क्षेत्र के बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक में जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं क्षेत्र वालों से ये कह सकता हूँ कि मैंने भी बच्चा एक आपको दूसरा राजकुमार दे दिया, तो मुझे इससे बड़ी खुशी क्या होगी। आज भारत में कुश्ती की स्थिति ये है कि भले ही हमें कुश्ती के क्षेत्र में हजारों अवार्ड्स मिल गए हों, लेकिन जिस उत्तर प्रदेश के राजकुमार रहने वाले हैं वहां से ही उन्हें वो सम्मान ना मिला जिसके वो हकदार हैं। ऐसे में राजकुमार से प्रेरणा लेकर कुश्ती को आगे बढ़ाने में मदद कर हम देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। कमाल है यार, मतलब इनसे मिलने के बाद, इनके बारे में जानने के बाद एक्चुअली में रियलाइज हो रहा है कि हाँ यार, मतलब सपनों में मतलब सपने तो आते हैं, सपने देखने भी चाहिए, लेकिन उसे हकीकत में बदलने की हिम्मत भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जब तक आप जागेंगे नहीं तो सपने सच होंगे कैसे। इसीलिए सपने देखिए लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखिए।